नंद जी महाराज के कारण मैं गुरुदेव माई कीर्ति महाराज से जुड़ा उनकी सेवा में रहा जब उनका देवलोक का टाइम बहुत नज़दीक आया तो उस समय मेरे को गुरुदेव माई कीर्ति महाराज ने बोला कि बेटा चिंतामणि जब भी से तो विमल के पास चले जाना विमल के पास सब कुछ है जो मेरे पास है और लल्ला मेरे पास में क्या है वो तो तेरे को मालूम है तो मैं महाराज श्री के दर्शन करके हम उस बात को समझ नहीं पाए और जबकि बहुत ही नज़दीक में करीबन तीन एक महीने के बाद ही करीबन उन्नीस में ही महाराज श्री देवलोक हो गए महावी कीर्ति महाराज उसके बाद में हम बस दिमाग में रखा कि गुरुदेव विमयसागर महाराज के दर्शन करने हैं लेकिन व्यवस्था में कुछ लाइफ में इस ढंग से बिजी हो गए कि वो चीज़ निकल गई फिर एक एक टाइम सुजानगढ़ हम गए और गुरुदेव के वहाँ पर हमको अचानक चुक दर्शन हुए और जैसे ही मैंने गुरुदेव विमल सागर महाराज के दर्शन करे तो मैं वो बात को थोड़ा सा भूल चुका था लेकिन जैसे ही मैंने माई कीर्ति महाराज की फ़ोटो देखी विमल सागर महाराज के सामने तो एकदम से दिमाग में बात आ गई अरे ये तो वो विमल सागर महाराज है जो कि माई कीर्ति महाराज ने मेरे को नाम लिया था मैंने जा कर के नमोस्त किया और नमस्त करके और गुरुदेव को सिर्फ इतना सा ही बोला था कि गुरुदेव मेरे को माई कीर्ति महाराज ने आपके दर्शन के लिए और आपके चरणों के लिए मेरे को बोला था तो हाँ अच्छा बस उस दिन से लेकर के उन्होंने अपने छाती से मेरे को लगाया हाथों से खूब मेरे सिर पे आशीर्वाद दिया और मेरे को अपनी छाती से खूब लगा करके बोला बेटा आते रहना उसके बाद वो चीज़ चालू हुई और उस टाइम से लेकर के और आज तक हम कभी भी जब तक महाराज श्री हमको दर्शन देते रहे तब तक हम उनके दर्शन करते रहे उनकी हाजिरी भरते रहे साल में दो तीन बार कैसे भी करके हम गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे और हर साल उनकी उस समय से हम बहुत ठाट बाट से जयंती मनाते आए 1947 में महाराज श्री ने फिर फिरोजाबाद से हमको आशीर्वाद दिया और सब लोगों से सब लोगों से मिलते हुए सारे जयपुर वालों से मिलते हुए सबकी मदद से हमारे पूरे परिवार ने पूरी भाव से और उनका चौमासा कराया उसके बाद आगे आज तक हम महाराज श्री के ऋणी हैं कि वो हमारे हृदय में विराजमान हैं और उनके अब 1942 से लेके और आज तक महाराज श्री उसके बाद हमको दर्शन अपने बहुओं से हमको मिलते रहते हैं देते रहते हैं और उनका जब हम जयंती मनाते थे जिस ढंग से हम उनका समाधि दिवस बड़े ठाट बाट से उत्साह से मन में तो पीड़ा रहती है कि दिल भर ही आता है लेकिन लेकिन क्योंकि महाराज श्री ऊपर स्वर्ग में विराजमान हैं और हमारी हर इच्छा हमारी हर अच्छी इच्छा को पूर्ण करते हैं ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है और हम अपने सांसारिक जीवन के जितने भी कार्य हैं जितने भी अच्छे कार्य हैं <coughs> चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे धर्म की पूजा हो विधान हो दर्शन हो यात्रा हों हम उनके नाम से ही शुरू करते हैं और हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं और और आज इस इस जन्म में तो छोड़िए बल्कि हम, हम आने वाले सात जन्म में भी हम गुरुदेव विमल सागर महाराज को भूल नहीं सकेंगे विमल सागर महाराज से जैसे हम वर्तमान में यानी कि भूतकाल में मिले हुए थे उसी ढंग से ही आज भी वर्तमान में हम उनको नहीं भूल पाते हैं क्योंकि उनकी बातें जो हैं उनके आशीर्वाद जो हैं और उनके लोग के प्रति जो हैं और सारी दुनिया के प्रति उनका लोक कल्याण ही लोक कल्याण का भाव होता कई बार हम प्रश्न करते थे क्योंकि लोग बाग हमको ये बातें करते थे कि वे क्या महाराज श्री को ये सब चीज़ों से क्या संसार की चीज़ों से क्या लेना देना लेकिन महाराज श्री ने बोला कि बेटा लोक कल्याण चौबीस घंटे आदमी को करते रहना चाहिए सिर्फ बोलने से नहीं होता है बल्कि अपने धर्म की तपस्या करते हुए वो सब कुछ लोक कल्याण में हमेशा लोक कल्याण का मतलब यही है कि आप ईश्वर की मदद कर रहे हो क्योंकि जो भी बंदे की आप मदद करते हो वो ईश्वर का दिया हुआ होता है और उसकी आप मदद करते हो तो ये समझ के चलो कि तुम ईश्वर की मदद कर रहे हो जो कि आपको ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो आप भी लोगों को उसी ढंग से ही ट्रीट करो जैसे आप सुख शांति से जीते हो ऐसे हर प्राणी सुख शांति से दीवे ऐसा हमको विमल सागर महाराज हमेशा बोलते थे महाराज श्री की फिरोजाबाद की बात है कि मेरे को कुछ की अजीब सी तकलीफ़ आई थी उस अगली सी तकलीफ़ है जब महाराज श्री ने मेरा ऑडिट किया ऑडिट किया तो मेरा ये बता दे तेरे को नुकसान तो हुआ है लेकिन ये बता दे कि तेरे पास में कुछ है कि नहीं क्योंकि हम करदार जो होता है या वो जो तकलीफ में होता है उसको उससे कभी भी खर्च कराते नहीं हैं और तो मैंने मेरी से की इच्छा थी क्योंकि मेरे भाव थे कि उनके गुरु माई कीर्ति महाराज का मेरे को से चौमासे सम चमा कराने की मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन क्योंकि मेरे को तकलीफ़ आई और गुरुदेव विमल सागर महाराज इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि मेरे को सिर्फ ज़िंदगी में वही टाइम मिलता था कि मैं उनका चौमासा जयपुर करा सकता था तो मैंने मैंने महाराज श्री को हाजिरी भरी मैंने महाराज श्री को फिरोजाबाद में बीस दिन बीस दिन हाजिरी भरी रोज रात को मैं उनके पास में आठ साढ़े आठ नौ बजे बैठता था और सुबह चार बजे तक बैठता था और महाराज श्री रात भर लोक कल्याण में जो दिन भर जैसे व्यस्त रहते थे उसी ढंग से ही रात को महाराज श्री अपने आत्मा का कल्याण के ले के लिए रात भर स्वाध्याय करते थे और रात भर मालाएं फेरते थे तो हम कभी हम ये प्रश्न भी करते थे महाराज श्री कि आप ये रात भर मालाएं क्यों फेरते हो बेटा दिन भर तो मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए सोचता रहता हूँ लेकिन रात मैं भी तो कम से कम अपना आत्म कल्याण करूँ उसके लिए मेरे को सिर्फ रात का टाइम मिलता है जब तुम लोग सब सोए हुए रहते हो तो उस समय मैं माला फेरता हूँ और अपना स्वाध्याय करता हूं तो मैंने कई बार महाराज श्री से ये प्रश्न कर लिया क्योंकि महाराज श्री से हम बहुत जुड़ गए थे तो मैंने कहा महाराज श्री आप तो सिर्फ पन्ने पलटते हो शास्त्रों के तो आप आ, बोलते हो मैंने स्वाध्याय कर लिया तो बोले ले बेटा ये किताब ले ये शास्त्र ले और शास्त्र में पन्ना खोल कोई सा भी तेरा पन्ना खोल ले पन्ना खोला मैंने पन्ना खोल करके जो पेज निकला मैंने बोला मैंने कहा महाराज श्री ये पेज नंबर आया तो भले इसका पहला श्लोक ऊपर वाला श्लोक है उन्होंने महाराज श्री ने मेरे को कंटस सुना दिया तो मतलब महाराज श्री को कंटस मतलब जो शास्त्रों के वो सुबह रात को हाथ लगाते थे और पन्ने पलटते थे ये इसका मतलब है कि एक मिनट में एक शास्त्र को वो पढ़ लेते थे लेकिन उनको वो सारे शास्त्र कंटस याद थे इसी यही चीज़ मैंने कोई टाइम पे महावीर कीर्ति महाराज की भी जज करी थी तो उनकी भी यही थी कि शास्त्र को हाथ लगाते थे पन्ने पलटते थे लेकिन उनको वो सारे शास्त्र कंटस याद थे जैसे माही कीर्ति महाराज को याद थे उसी ढंग से गुरुदेव विमल सागर महाराज को याद थे और ये कई बार ऐसी चीज़ें गुजरी हैं कई बार ऐसे कल्याण के काम हुए हैं कि कोई बच्चा आया है जिसके पास में ट्रेन के टिकट भी नहीं है और उसको बोल रहे हैं कि तू तीन महीने के बाद यूएसए चला जाएगा और उसका सब काम ऑटोमेटिकली तीन महीने में उसके बाद पैसे भी आ जाते थे उसका वीसा भी बन जाता था पासपोर्ट भी बन जाता था ऐसे कई बच्चे मेरे को अमेरिका में मिले कि जिन्होंने फोटो लगा रखी है विमल सागर महाराज की लेकिन कभी उन बच्चों को हिंदुस्तान में उनके पास देखा नहीं और लेकिन वो वहाँ बैठ कर के और उनके आगे रोज़ ही उनसे इजाज़त लेकर के अपने ऑफिस जाते थे इस ढंग से उनकी विमल सागर महाराज की भावना मतलब जो भी कुछ है आज हमारे पास में सब गुरुदेव विमल सागर महाराज की मेहरबानी से है मतलब इस ढंग से महाराज श्री ने पूरे हिंदुस्तान में कहाँ जहाँ जहाँ भी हम गए बिहार बिहारों में महाराज के साथ बहुत बिहार भी, भी किया है और जहाँ जहाँ भी जाते थे लोग एक से एक चीज़ महाराज श्री के कल्याणी कल्याण की बातें किया करते थे कि आज हिंदुस्तान में जितने भी साधु हैं जितने भी गुरु हैं लेकिन विमल सागर महाराज ने जित ल, लोगों का लाखों लोगों का कल्याण किया है और लाखों को लोगों के कल्याण में और वो सीधा सा उसका उपाय बताते थे कि बेटा जब भी भी तुम्हारे को कोई दिक्कत आवे तो नमोकार की माला फेरा करो इससे सब लोगों का कल्याण तुम्हारा भी कल्याण होगा और तुम्हारे साथ वालों का भी कल्याण होगा इस ढंग से सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि विमल सागर विमल सागर महाराज ने लोग सारे हिंदुस्तान में लोगों का बहुत ही कल्याणी कल्याण किया है ऐसी ही एक घटना और मेरे दिमाग में अभी आई है कि जयपुर के चौमासा 1947 के चोमासे के टाइम पे एक ड्राइवर जो जो कि ड्यूटी पे लगा था जो जयपुर से रोज यात्रियों को लाता था और सुबह से लेकर शाम तक जयपुर से और खानिया में महाराश्री का चौमासा था तो महाराश्री को महाराश्री के दर्शन कराने के लिए सुबह से लेकर शाम तक जयपुर से आने वाले लोगों को लेके आता था उस पचास सीटर जो बस थी उसमें सत्तर सत्तर आदमियों को वो भर के लाता था बिल्कुल भी विचार नहीं करता था न तो पुलिस वाले चालान करते थे और न ही हमारे ट्रांसपोर्ट जिसकी वो बस थी जो मालिक था वो कभी एतराज करता था और वो ड्राइवर जो था वो ड्राइवर तो हंस हंस करके सुबह से ले शाम तक उसको अगर चार चक्कर लगाने थे तो वो छः चक्कर आठ 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 चक्कर भी लगाता था महाराष्ट्री के उस समय में मतलब इतना जुड़ गया इतना जुड़ गया कि उसके ऐसे भाव बन गए कि वो जब महाराज श्री वहाँ से चार महीने के बाद जब फिरोजाबाद के लिए रवाना हुए तो गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मैं आपको सोनागिर तक छोड़ना चाहता हूँ तो महाराज श्री ने पूछा अरे भाई ये तो यहाँ तो सेठ लोग हैं इन्होंने तो तुमको तनख्वाह दे दी लेकिन मैं मेरे पास पैसे थोड़ी है मैं कहाँ से तनख्वाह दूंगा तो मैंने कहा महाराज श्री मेरे को तनखा नहीं चाहिए मैं आपकी सेवा में माँ सोनागिर तक मैं आ, आना चाहता हूँ आपकी गाड़ी चलाऊँगा जो आपके पास में संग में व्यवस्था में जो गाड़ी है वो गाड़ी को चलाऊँगा तो बोले क्या तनख्वाह लेगा बोला महाराज श्री तनख्वाह के हिसाब में दोनों टाइम खाना खाऊँगा बस और मेरे को तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए आज आपका आशीर्वाद चाहिए बोला भैया तेरी ये मर्जी है और सेवा करना चाहता है समाज की सेवा करना चाहता है समाज से जुड़ना चाहता है गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहता है गुरुओं की सेवा करना चाहता है तेरी मर्जी है चल हमारे क्या है जो हम तो तेरे को भी खिलाएंगे तो वो ड्राइवर साहब हमारे सोनागिर तक महाराज श्री को महाराज श्री की गाड़ी जो भी व्यवस्था में थी संगपति के पास में उसको चला उनके साथ साथ बिहार में महाराज श्री के साथ में रहे जब वो लौटे आशीर्वाद लिया आशीर्वाद लिया हंसते आशीर्वाद लिया तो आ, वहाँ पर जो भी ट्रस्टी थे जो भी जैन भाई थे उनसे महाराज श्री ने उसको इनाम के बदौलत कुछ पैसे दिलाने की कोशिश करी तो महाराज श्री को उसने पाँ पकड़ के बोला कि गुरुदेव एक ही बात है आप दो या श्रावक देवे या आप किसी से दिलवाओ तो एक ही बात है लेकिन मैं ये पैसे तो नहीं लूँगा मेरे को तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए बस तो महाराज श्री ने खूब उसको आशीर्वाद दिया लेकिन फिर भी श्रावक ने जो वहाँ के सोनागिर के श्रावक थे उन्होंने ज़बरदस्ती उसको जो भी थोड़ नहीं के बराबर जो भी देना था वो कवर दिया महाराज उसने बहुत मुश्किल से लिया ये सारी चीज़ महाराज श्री ने देखी अपने आंखों से और सुनी तो फिर महाराज श्री ने उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया तो बोला बेटा तू जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में सर्विस करता था ऐसी ही तेरे को जयपुर जाते ही ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का तू भी धीरे धीरे मेहनत कर सच्चाई पर रह और तेरी भी ऐसी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी हो जाएगी तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के पास में तो तीन बसें थी लेकिन आज की तारीख में उसके पास में ग्यारह बसें हैं और वो बहुत अच्छा आदमी है और इस ढंग से ही आज भी कहीं भी गुरुओं को देखता है तो अपनी बसों की सेवा कभी फ्री ऑफ चार्ज या बहुत कम कीमत में देने की कोशिश करता है अब कई सालों से लेकिन उसका मिलान हमको नहीं हुआ है और अभी वो हैं या नहीं हैं वो हमको भी खबर नहीं है ऐसे ही कई मतलब वाइके महाराज श्री के, के हैं बच्चों के हैं और और लोगों के हैं व्यापारियों के हैं लेकिन हर आदमी को व्यापार के साथ गृहस्थी के साथ में इसी ढंग से ही वो धर्म में जोड़ते थे मालाएं फिरवाते थे नमोकार फिरवाते थे कोई भी बात होती थी तो बोलते थे कोई भी तकलीफ है तो बोले बेटे नमोकार फेर लिया कर ये समझ ले नमोकार फेरेगा तो तेरे को मेरे को मेरा आशीर्वाद तेरे को लगता रहेगा इस ढंग से महाराज श्री ने एक ही आशीर्वाद दिया मैंने भी महाराज श्री से किसी भी लालच में समझ लिया किसी भी लालच में ये समझ लीजिएगा मैंने महाराज श्री को बोला था मैंने कहा गुरुदेव जो दिया विद्यान जी महाराज ने मेरे हृदय में जलाया और उसका आशीर्वाद महावी कीर्ति महाराज ने दिया और आपने उसमें घी डालने का काम किया है मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को भी मेरे घर में मेरा नियम जो भी आपकी संगत से मेरे को मिला है वो नियम मेरा पलता रहे तो महाराज श्री ने मेरे को ऐसा आशीष दिया कि बेटा तूने ये नियम धर्म के प्रति लिया है उद्धार के प्रति लिया है तेरे को भी मतलब ऐसा ही घर में तेरे बेटे की ऐसी बहू आएगी जो बहुत अच्छे परिवार से आएगी और वो बहुत अच्छे परिवार से आई है और वो तो उसने तो कभी भी जिंदगी में रात्रि भोजन भी नहीं किया है और उसके कारण मेरे अपने नियम और आज तक और रहे आप सभी को विदत है 94, uh, 1994 में जो उद्धारोहण हो गया था उसके उपलक्ष में भी आज उन बात को 25 साल होने को आए और हम ये सब चीज़ वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाने के लिए समेत शिखर जी में आने वाले दिसंबर में इकट्ठे हो रहे हैं और जो भी जो भी प्राणी वहाँ बाईचांस कोई भी कारण से अगर नहीं आ सकता है तो वो अपने अपने गाँव में अपने अपने शहर में अपने अपने घर में अपने अपने मंदिर में महाराज श्री का उद्वारोहण मनाने की कोशिश करें ऐसा हम लोगों को कोशिश तो यही करिए कि आप शिखर जी में पधारिए और वहाँ पर सब मिलजुल करके उस फंक्शन को मनाने की कोशिश करेंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे और अगर कोई कारण से अगर आप लोग नहीं आ सको तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने आ, मित्रों के साथ परिवार के साथ में अपने अपने मंदिर में उस दिन में खूब ठाट भाठ से पूजा पाठ विधान महाराज श्री को आ, याद करें उनको नमन करें उनकी स्तुति करें और प्रार्थना करें कि आने वाले साल आने वाला टाइम सबके लिए आनंदमय हो ऐसा हम अपन मिलजुल करके गुरुदेव आ, विमल सागर महाराज को प्रार्थना अपने अपने स्थानों से आ, सब लोग करें